हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा मेरी माँ की रेसिपी से। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट सुबह का नाश्ता। मैं बनाई है, हल्का फुल्का नाश्ता है, ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं बना रही हूँ चावल का पीठा। जी हाँ दोस्तों, मैं आलू से बना रही हूँ। तो ये दाल से ही बनते हैं, लेकिन अगर आलू से बनाइए बहुत ही स्वाद बनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे, चावल का पीठा। तो सबसे पहले हम ये सामान ले लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे चावल का आटा। तो ये हमने घर पे चावल का आटा बनाया है, और ऐसे भी बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। तो आप कोई भी आटा ले सकते हैं, उसना का होता है, करवा का होता है। तो हमने लिया उसना का चावल का आटा। और ये जब भी बनाइएगा दोस्तों, तो पानी उबला हुआ होना चाहिए। तो उबला हुआ पानी से बनाइएगा तो अच्छा बनता है। पानी को सुसुम नहीं करना है, उबालना है। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी चावल में डालिए, और एक ठो छोलनी से इस तरह से चलाते हुए पानी डालते जाइए थोड़ा थोड़ा। और हाथ से नहीं कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ये। तो बस चम्मच से या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, उसे इस तरह से चला चला के सिर्फ मिला लेना है, पानी दे के इस तरह से सान लेना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा ठंडा भी होते जाएगा फैलाते फैलाते। बस इसको बैंडिंग करना है। तो ये देखिए इस तरह से मिला दिए हैं ये, और ये हल्का ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हम हाथ से निकाल लेते हैं। अब बस हल्का गोला कर देंगे इसे, आटा की तरह डो नहीं बनाना है, बस ऐसे ही समेट दिए हैं। और ठंडा होने के बाद इसे हम अच्छा से मलेंगे। तो ऐसे ही अभी हम रेस्ट के लिए रख देते हैं आधा घंटा के लिए ढक के। और इधर हम बना लेते हैं मसाला आलू का। तो हम दिए हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तो आप जो तेल यूज करते हैं वो तेल डाल दीजिएगा कढ़ाई पर। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा 1 चम्मच। उसके बाद हम देंगे गोटा धनिया, वो भी 1 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सौंफ। सौंफ देने से बहुत अच्छा बनता है मसाला, इसलिए हम इसमें सौंफ डाल रहे हैं। और ये देखिए आधी हमने क्रश करके डाल रहे हैं, कद्दूकस करके डाल रहे हैं आधी। तो बस आधी को हल्कापन कच्चा दूर करने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरा मिर्च। तो हम 2 हरा मिर्च को बारीक काट के डाल दिए हैं इसमें। अब इसे भून लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी थोड़ा सा, और ये दे देंगे खटाई, आमचूर पाउडर है ये। तो हमने 1 चम्मच डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस बाद में दीजिएगा। फिर डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और इसे मिला लेंगे। बस इतना ही इसमें सामान चाहिए मसाला। फिर हम डाल देंगे आलू। तो आलू को हमने उबाल करके मैश करके डाल दे रहे हैं इसमें। तो इस तरह से आलू डाल दीजिएगा, आपकी क्वांटिटी रहेगी, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आलू की। फिर हम दे देंगे साथ में हरा धनिया। हरा धनिया देने से दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो हरा धनिया ज़रूर दीजिएगा। तो बस इतना ही सामान चाहिए। उसके बाद आप अच्छा से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमारा अब मसाला बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है धनिया की। अब आप इसमें नींबू डाल सकते हैं, अगर नींबू देना चाहते हैं तो। फिर हम गैस ऑफ कर दिए हैं, और इसे हम निकाल देते हैं एक बर्तन में, ताकि ये अच्छा से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। और इधर हमारा चावल का आटा भी जो गूंथ के रखे हैं, वो भी अभी ठंडा हो चुका होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, ताकि हाथ में चिपके नहीं आटा। तो ये चिपचिपा थोड़ा होता है आटा, इस तरह से हम मल लेंगे। ये देखिए कितना इजीली मल जा रहा है, ये पूरा सॉफ्ट डो बना है। तो बस इस तरह से हम सॉफ्ट डो बना करके मल लेने के बाद, इसका अब हम पराठा का आकार का लोइया काट लेंगे। जिस तरह पराठा बनाते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा लोइया रहता है, तो बस इतना ही बड़ा गोला ले लीजिएगा। और इसे आप दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से थपथपा के पराठा जैसे, मतलब पूड़ी जैसा बना लीजिएगा। ये देखिए मोटा टाइप का रहेगा। पूड़ी जैसा बन जाने के बाद इसमें डाल दीजिएगा वही मसाला जो बनाए हैं आलू का, वो मसाला डाल दीजिएगा। खूब ज़्यादा नहीं दीजिएगा ना तो फट जाएगा। बस हल्का ही मसाला डालिए, जितना ये कवर कर सके। बस इसको अब पेड़किया का आकार दे देना है। ये देखिए ज़्यादा भारी नहीं है दोस्तों, आप बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इस तरह से चिपका दीजिए, ऐसे ही चिपक जाएगा, पानी लगाने का नहीं हो सकता है इसमें। अब बस नाखून से इस तरह से दाब दीजिए, ताकि एक डिजाइन बन गया। और ये अच्छा से बैंड भी हो जाता है इस तरह करने से। बस एक बन गया हमारा पेड़किया टाइप का। इस तरह से हम सारा बना लेंगे। ये देखिए
फिर से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह दबा दबा के कर चिपकाना, चिपकाइएगा थोड़ा सा दाब के ही कस के, ताकि ये फटे नहीं। और ये देखिए हमारा पिट्ठा सारा बन के तैयार हो चुका है। अभी इसमें और काम बाकी है दोस्तों, इसे बनाइए और 2 दिन तक आराम से खाइए, जैसे कि शाम में बनाए हैं ना, तो रात में भी खाइए, सुबह का नाश्ता भी आपका हो जाएगा। और फिर कढ़ाई में हमने पानी दे दिया है, पानी देने के बाद सरसों का तेल दे देंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसे हम डाल देंगे। तो पानी में उबाल ज़रूर आना चाहिए दोस्तों, 2 बार उबाल आना चाहिए, एक बार आटा सानते समय में और एक बार जब पीठा डालिएगा तब उबाल आना चाहिए। तो ये देखिए 10 मिनट में हम इसको रखे थे पानी में, और ये देखिए ऊपर आ चुका है, यानी कि बन चुका है ये। तो हम आलू का बना रहे हैं तो ये तुरंत निकाल लीजिएगा, अगर दाल का बनाते हैं तो इसको काट के देखना पड़ता है कि अंदर तक दाल सीझा है कि नहीं सीझा है। तो ये देखिए आलू का मसाला पिट्ठा हमारा ये सीझ गया है, तो इसे हम निकाल लिए अच्छा से। अब हम यही पानी में हम दोबारा डाल देंगे दूसरा पिट्ठा, जो कच्चा बना के रखे थे वो डाल दिए, तो यही पानी में दीजिएगा, खराबी नहीं रहेगा, ठीक रहता है। उसके बाद ये थोड़ा है ना पिट्ठा माड़ माड़ टाइप का रहता है, क्योंकि चावल का है, तो इसका माड़ निकालने के लिए आप फ्रेश पानी ले लीजिए और उसमें ये पिट्ठा डाल करके हल्का सा पोंछ पोंछ करके निकाल लीजिए इस तरह से, तो ये फ्रेश हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इसे उबालने के बाद ज़रूर पानी में इसे डालिएगा दोस्तों। तो ये देखिए इसके बाद हम निकालने के बाद ये आधा घंटा हो चुका है, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अंदर से काटने के बाद। तो इस तरह से हम हर पिट्ठा को 2 टुकड़ा कर लेंगे, क्योंकि इसे फ्राई करना ज़रूरी है। ऐसे भी आप ऐसे भी खाइएगा तो आपको अच्छे लगेगा, इसे सब्जी के साथ या चटनी के साथ खाइए तो अच्छे लगेंगे, लेकिन फ्राई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। तो फ्राई ज़रूर कीजिएगा अगर बना रहे हैं तो, थोड़ा सा मेहनत है दोस्तों लेकिन बनाइएगा ज़रूर। तो हमने दे दिया है सरसों का तेल, साथ में हम दे देंगे करी पत्ता, और फिर दे देंगे 1 चम्मच छोटा चम्मच से पीला सरसों, साथ में हम दे देंगे जीरा छोटा चम्मच से 1 चम्मच, और फिर थोड़ा सा चटपटा के लिए हम लाल मिर्च दे देंगे, और फिर ये देखिए जो काट के रखे थे पीठा वो पीठा डाल देंगे, और इसे हम उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा सा हम नमक दे दिए हैं ऊपर से, क्योंकि चावल में हमने नमक नहीं डाले थे, तो इसमें नमक नहीं है चावल में, मतलब आटा में, चावल का आटा में, तो हल्का सा नमक हम दे दिए ताकि इसका खाने में अच्छे लगे। तो हमने चोखा में तो नमक डाले थे, लेकिन ये देखिए हमने उसमें भी नमक डाल दिए हैं, और ये फ्राई हो चुका है। तो थोड़ा स्वाद और बढ़ाने के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड कर दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दीजिएगा। आप फिर इसे मिला लीजिए, उसके बाद आप इसे निकाल करके गर्मा गर्म खाइए। ये देखिए बन चुका है, और इसे आप निकाल करके धनिया की चटनी के साथ या फिर टमाटर सॉस के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन हम लोग को तो टमाटर का सॉस बहुत पसंद आता है, तो हम लोग हमेशा टमाटर के सॉस के साथ खाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार बनाइए 2 बार खाइए, लेकिन आपका पेट भरेगा दोस्तों, मन नहीं भरेगा, मैं सच बता रही हूँ, ठंड के दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, ये अंदर तक ये चोखा चला गया है मसाला। तो हमारा पिट्ठा बन के तैयार हो गया दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू का मसाला पिट्ठा। तो दोस्तों अब बारी आती है टिप्स की, तो मैं हर रेसिपी के अंत में टिप्स बताती हूँ, तो आज का टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगर आपके पेट दर्द कर रहे हैं या फिर लूज मोशन हो रहा है, यानी कि पतला पोटी हो रहा है खूब, तो आज मैं उसका उपाय बताऊंगी। अगर आप ये चीज़ कीजिएगा तो मैं दावा के साथ कह सकती हूँ आपका पोटी ज़रूर बंद हो जाएगा और आपको आराम भी मिलेगा। तो इसे करना क्या है, आपके घर में अगर नींबू का अचार है तो नींबू का अचार ले लीजिएगा, बस 1 ठो नहीं आधा लीजिएगा, तो मैं आधा ले रही हूँ, और इसे आप इस तरह से तोड़ लीजिए, और आधा नींबू मैं रख देती हूँ। ये नींबू का अचार बहुत ही फ़ायदा करता है पेट के लिए, तो इसमें आप मिला दीजिए थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 कप पानी मिला दीजिए, और इसे आप नींबू का सारा जो रस है वो पानी में चला जाएगा, इस तरह से मैश कर लीजिए, और उसके बाद इस तरह से इसका नींबू जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लीजिए, और ये पानी आप पीजिए, खाली पेट पीजिएगा, हर दिन पीजिएगा, यानी एक ही दिन में तो ठीक हो जाता है, तो आप एक ही दिन पीजिए, तो आप देखिएगा आपको बहुत ही राहत मिलेगा। अगर आपका पतला पोटी हो रहा है तो वो रुक जाएगा, अगर पेट फिजूल का ममोड़ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबके साथ ये होता है दोस्तों। अगर आपको ये टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।